हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के बारे में कहने का मतलब ये है कि टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी के लिए बहुत ही बम्पर पदों पर भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है जो भी कैंडिडेट टेरिटोरियल आर्मी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक बैठे थे यानी कि उम्मीदवार बैठे थे तैयारी करके बैठे हुए थे उन सभी के लिए बहुत ही बम्पर पदों पर भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर उस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे लाइव प्रूफ आप सभी को फॉर्म को आवेदन करके भी दिखाने वाले हैं फॉर्म को फिल कैसे करना होगा कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर पाएंगे इंडिया के किस किस कैंडिडेट के लिए यानी कि कहने का मतलब ये है कि किस राज्य और जिले के लिए, लिए कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी आप वीडियो को टोटल कंप्लीट देखते रहेगा तभी सभी क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे सबसे पहले आप सभी को भर्ती के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले जो भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लेके चलेंगे और आप सभी को भर्ती की सारी डिटेल्स यानी कि सारी जानकारी आप सभी को बताई जाएगी वीडियो को आप बिल्कुल भी स्कीप मत कीजिएगा तो आइए लेके चलते हैं तो यहाँ पर आइए आगे बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए सबसे पहले सैलरी के बारे में तो सैलरी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि बीस हज़ार नौ सौ रुपये से इक्यासी हज़ार दो सौ रुपये प्रति मंथ इस भर्ती में सैलरी भी आप सभी को दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप फॉर्म को आवेदन भी कर पाएंगे वहीं से आप फॉर्म को आवेदन भी कर पाएंगे और फॉर्म को वहीं से डाउनलोड करके भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को अगर आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों माध्यम से फॉर्म को बिल्कुल आप आवेदन कर पाएंगे टोटल पोस्टें यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कि अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है वो आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कितने पदों पर निकाली गई हैं और यहाँ पे पोस्ट नेम आप देख पा रहे होंगे जो कि टेरिटोरियल ऑफिसर ये तो आपको ऊपर ही बता दिया गया है कौन कौन से जोन के लिए भर्ती निकाली गई है जोन फर्स्ट जोन सेकेंड जोन थर्ड जोन फोर्थ किस किस जोनों के लिए भर्ती निकाली गई है किस किस राज्य और ज़िले के लिए भर्ती निकाली गई है ये सब सारी जानकारी आप वीडियो को कम्प्लीट देखते रहेगा ताकि कोई भी जानकारी आप मिस ना कर पाएँ तो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बता दिया जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को आवेदन करने के बारे में बात कर ली जाए तो अप्लाई मोड यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म को आवेदन आप कर पाएंगे हो कल अप्लाई यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कि ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों और यहाँ पर आइए बात कर ली जाए आपको बता दिया जाए कि इस भर्ती में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर ली जाए तो आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप ऑल ओवर इन इंडिया है दोस्तों पे स्केल तो आपको ऊपर ही बता दिया गया है जो कि यहाँ पे बीस हज़ार नौ सौ रुपये से इक्यासी हज़ार दो सौ रुपये प्रति मंथ सैलरी भर्ती में आने की इस भर्ती में सैलरी आपको दी जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यू आर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए फ़ीस बिल्कुल फ़्री है आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पे आइए यह बात कर लीजिए दोस्तों एज लिमिट के बारे में यानी कि आयु सीमा एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो हर भर्तियों में कहने का मतलब ये है कि हर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ये यह जो भर्ती निकाली जाती है यहाँ पे जनरल के लिए ओनली अठारह से बयालीस वर्ष की एज होनी चाहिए और हर कैंडिडेट के लिए आपको पता ही है जो कि अठारह वर्ष से पैंतालीस वर्ष की बीच की आवेदन करने की यहाँ पे तिथि होने वाली है कहने का मतलब ये है कि आपको जो फॉर्म को आवेदन करने की डेट मिलती है यानी कि उम्र सीमा की डेट मिलती है वो अठारह से पैंतालीस वर्ष की ही मिलती है वो सभी कैंडिडेट को पता है जो कि टेरिटोरियल आर्मी की जब भी भर्ती आती है उसमें एज जो होने वाली है यानी कि एज जो होती है वो अठारह वर्ष से पैंतालीस वर्ष की ही होती है तो यहाँ पे एज ओन यानी कि एज में काउंटिंग आप देख पा रहे होंगे बारह सितंबर 2024 से की जाएगी और यहाँ पे आइए बात कर ली जाए एज रिलेक्सन यानी कि कहने का मतलब ये है कि एज में छूट के बारे में बात कर ली जाए तो एस सी एस कैंडिडेट को पाँच वर्ष का छूट और ओ बी सी यहाँ पर एस सी कैंडिडेट को पाँच वर्ष का छूट ये तो आपको पता ही होगा ओ कैंडिडेट को बिल्कुल तीन वर्ष का छूट दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे आइए बात कर ली जाए फॉर्म को आवेदन करने के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की हाइट इसमें कितनी दी जाएगी यानी कि कितनी मांगी गई है तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की जो हाइट है एक सेंटीमीटर की हाइट फीमेल कैंडिडेट की एक सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए ऑल नॉर्थ इंडियन जोन कैंडिडेट से जो मेल बिलोंग करते हैं उनके लिए एक सेंटीमीटर की हाइट और जो फीमेल बिलोंग करती हैं उनके लिए एक सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और यहाँ पर रनिंग टेस्ट के बारे में बात कर लीजिए रनिंग टेस्ट और मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रनिंग निर्धारित की गई है जो कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रनिंग आप देख पा रहे होंगे सोलह मीटर बिल्कुल सात मिनट तीस सेकंड में कम्प्लीट होगी यानी कि करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो आठ मिनट तीस सेकंड में सोलह मीटर की रनिंग बिल्कुल कम्प्लीट करनी होगी टेरिस आर्मी भर्ती के आइए बात कर ली जाए क्या क्या रिक्रूट डॉक्यूमेंट यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या दस्तावेज आपके लगने वाले हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर लाइट कलर बैकग्राउंड फ़ोटो आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट और भी कच्चा आठवीं और दसवीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसल सर्टिफिकेट कहने का मतलब ये है कि जाति प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए और यहाँ पर आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के इस फॉर्म को प्रूफ यानी कि आवेदन आप बिना किसी प्रॉब्लम के कर पाएंगे आइए बात कर लीजिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर सब्जेक्ट और मार्क्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जनरल यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो टोटल फिफ्टी क्वेश्चन के फ़िफ्टीन मार्क्स भी होंगे और जन जनरल इंग्लिस यहाँ पर अंग्रेज़ी आप देख पा रहे हो यानी कि इंग्लिश 15 क्वेश्चन के 15 मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे बेसिक मैथ जन, आपको यानी कि कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल बिल्कुल मैथ होगा आपका टेन नंबर का यानी कि दस नंबर का आपका होने वाला है और अलग अलग सब्जेक्टों के हिसाब से जो यहाँ पे आपको दिया जाएगा वो यहाँ पे साठ नंबर का आपका होगा टोटल मार्क्स यहाँ पे जो होंगे हंड्रेड होंगे आपको पता ही होगा और जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा वो तो आपको बता ही दिया यहाँ पे टोटल टाइम जो होने वाली है वो कहने का मतलब ये है कि दो घंटे की यानी कि एक मिनट की टाइम आपकी होगी और निगेटिव मार्क्स आप देख पा रहे हो जो कि वन यानी कि कहने का मतलब ये है कि वन बाई मार्क्स आपके एक स्चन पर कटेंगे तो यहाँ पे आइए बात कर ली जाए इस भर्ती की यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा आपकी होगी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन भी होगा लास्ट में आप सभी को फाइनल मेड भी यानी कि ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ली जाए तो आप देख पा रहे होंगे सिंपल और सिंपल दसवीं और बारहवीं के पास भी कैंडिडेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे और यहाँ पे डिग्री भी आपकी एलएलबी की होनी चाहिए कोई ये नहीं है कि एलएलबी की डिग्री है आप हो तो भी इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे अलग अलग पोस्टों के हिसाब से अलग अलग आपकी डिग्रियाँ ली जाएंगी कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो कि दसवीं के पास भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो कि बारहवीं के पास कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो डिग्री भी उसमें मांगी गई है जिस मुताबिक आपकी भर्ती होगी जिस रेंज पर आप भर्ती यानी कि फॉर्म को आवेदन करना चाहेंगे जिस रेंज के मुताबिक उसी हिसाब से आपकी डिग्री ली जाएगी यहाँ पे आइए इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे रिलीज यानी कि रिलीज़ की जो डेट है वो 20 जुलाई 2024 थी और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट जो है वो 20 जुलाई 2024 है दोस्तों लास्ट डेट इस भर्ती के बारे में बात कर ली जाए तो लास्ट डेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि बारह सितंबर दो है दोस्तों एडमिट कार्ड एग्जाम डेट की जानकारी अभी तो कुछ भी नहीं मिली है जैसी कुछ भी जानकारी मिल जाएगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जहाँ कहीं भी इस भर्ती में कुछ भी ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए बेहिचक कमेंट कीजिए आपको रिप्लाई करके जरूर बताएंगे हम तो आज के लिए बस इतना ही तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम